नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं भी यश उपाध्याय विजुअल फेड कंप्यूटर डिवीजन के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आशा है आप अच्छे होंगे। आज जो टॉपिक आप लोगों को बताया जा रहा है, ये अकाउंट्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। यानी पिछले टॉपिक्स में जो आपको पढ़ाया गया था वो है परचेज के बारे में बताया था कि परचेज क्या होता है और परचेज कितने प्रकार के होते हैं और इसकी एंट्री टैली पे कैसे की जाती है, क्योंकि ये आप अगर नहीं देखे हो तो पिछला वीडियो लिंक पर मैंने दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। आज जो हम चालू कर रहे हैं ये है परचेज रिटर्न, यानी परचेज रिटर्न क्या होता है और इसकी जनरल एंट्री कैसे की जाती है। आइए स्टार्ट करते हैं परचेज रिटर्न क्या होता है। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं परचेज रिटर्न क्या होता है, इनकी एंट्री टैली में या जनरल, इसकी जनरल एंट्री कैसे की जाती है और इसका एंट्री टैली में कैसे पास करेंगे। तो सबसे पहले परचेज रिटर्न क्या होता है, यानी एक सरल भाषा में हम कहते हैं कि जब किसी कंपनी से खरीदा हुआ माल किसी भी कारणवश कंपनी को लौटा दिया जाता है तो उसे हम परचेज रिटर्न कहते हैं, या उसे हम गुड्स रिटर्न भी कह सकते हैं, या उसे हम डेबिट नोट भी कह सकते हैं। तो इसका डिफिनेशन आपके स्क्रीन पे है, डिफिनेशन ऑफ परचेज रिटर्न अकाउंट। ए परचेज रिटर्न एक्वायर्स व्हेन ए बायर्स रिटर्न मर्चेंडाइज दैट इट हैड परचेज फ्रॉम सप्लायर। ओके, जब आप किसी कंपनी से जो माल खरीदे हैं उसे आप सप्लायर को माल वापस करते हैं। द अकाउंट परचेज रिटर्न इट्स जर्नल लेजर अकाउंट डैट विल हैव ए क्रेडिट बैलेंस। यानी परचेज रिटर्न को हमेशा आप क्रेडिट बैलेंस में दिखाते हैं। इट इज क्रेडिट बैलेंस विल ऑफसेट आर डेबिट बैलेंस इन द परचेज। यानी परचेज हमेशा ऑलवेज एक डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट साइड यानी क्रेडिट बैलेंस में ही दर्शाया जाता है। आइए स्टूडेंट इसका एग्जांपल लिखा जाए। अगर स्टूडेंट आपसे पूछा जाए परचेज रिटर्न क्या होता है, उसका डिफिनेशन हिंदी में आप जिसे मैंने बताया उसे समझा सकते हैं और इंग्लिश में डिफिनेशन आपके स्क्रीन पे है। आइए इसका एग्जांपल लिखा जाए। एग्जांपल फॉर परचेज रिटर्न, एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ स्टूडेंट, गुड्स परचेज फ्रॉम खन्ना एंड सन्स ऑन क्रेडिट ऑफ ₹15,000। यानी खन्ना एंड सन्स से माल खरीदा ₹15,000 का, इसकी जनरल एंट्री आप करेंगे परचेज अकाउंट डी आर टू खन्ना एंड सन्स। अगेन इसका नेशनल लिख दिया बींग गुड्स परचेज फ्रॉम खन्ना ऑन क्रेडिट। ओके अगेन इसकी अब इसका अगला एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट, गुड्स रिटर्न टू खन्ना एंड सन्स। यानी पहले आपने ₹15,000 का माल खरीदा है, इस क्वेश्चन में ₹5,000 का माल वापस किया जा रहा है खन्ना एंड सन्स को, तो रिटर्न की एंट्री होती है खन्ना एंड सन्स डेबिट ₹5,000 टू परचेज रिटर्न ₹5,000। ओके तो इसका एग्जाम्पल है, इसका नेचुरल क्या बींग गुड्स रिटर्न परचेज रिटर्न टू खन्ना एंड सन्स। ओके स्टूडेंट, ये था एग्जाम्पल टू जो परचेज रिटर्न एंट्री पास कर सकते हैं। इसका एक्सरसाइज आप देख सकते हैं, एक्सरसाइज फॉर परचेज रिटर्न जो पहला मैंने दिया हुआ है, गुड्स परचेज फ्रॉम खन्ना एंड ऑन क्रेडिट ₹15,000 का जो एंट्री मैंने अभी आपको स्क्रीन दिखाया था। दूसरा गुड्स रिटर्न टू खन्ना एंड सन्स ऑफ ₹5,000, यानी ₹5,000 का माल उसको वापसी किया था। ये दोनों एक्सरसाइज आप ट्राई कर लीजिएगा। अब इस एक्सरसाइज को टैली पे कैसे एंट्री पास की जाती है इसका अगले वीडियो में देखते हैं कि इसकी एंट्री टैली में कैसे पास करेंगे। आशा स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कि परचेज रिटर्न की एंट्री क्या कैसे की जाती है, उसका डेफिनेशन क्या होता है। तो हर वीडियो को ध्यान से देखिए कि अकाउंटेंसी में इसी तरीके से एंट्री पास करने का तरीका होता है, ये इसका एक्चुअल डेफिनेशन होता है और इसकी एंट्री टैली पे कैसे की जाती है। अगर वीडियो आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, अपने मित्रों और दोस्तों में शेयर कीजिए जो अकाउंट्स लाइन में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए जिससे पता लगे कि आपको वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। अगला वीडियो पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।